तो गंगा की रक्षा करें, यमुना की रक्षा करें। हम धार्मिक लोग अब गाली हैं आपके लिए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आप कम से कम एक बार रिकॉर्ड फील न करें, बस आप लोग इज्जत रहें। ये बहुत ज्यादा की जगह बात है, अगर हम गाली हैं तो हम आपके सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। आप बिल्कुल बड़े लेकिन हमारी भी अपनी अलग बात है, हम अपने ढंग से रहेंगे, लेकिन आपके सम्मान में आप महान हैं, आपके सम्मान में हमको कोई मतलब कमी नहीं लाना। एक बात सुनिए, एक बात बोलना चाहता हूँ। रिलीजन वो चीज डिनोट नहीं करता, धर्म करता। हम धर्म लिख रहे हैं, धर्म लिख रहे हैं, रिलीजन नहीं लिख रहे हैं। रिलीजन एक गलत शब्द है। बने बैठिए, मैं गुस्सा एक मिनट बोल रहा हूँ। गुस्सा गुस्सा होकर नहीं जा सकते। आप बोलिए, जो आपको जो जो करने का हक हमको है, जो खुशी होगी हम बोलेंगे, दुखों का हम बोलेंगे। हमारी सारे लोग बैठे गंगा का तो कोई धार्मिक महत्व ही नहीं है। धार्मिक शब्द जोड़ देने से आप लोगों को अपना सरकार उपयुक्त ही नहीं है। तो स्वामी जी, धर्म शब्द है, स्पिरिचुअलिटी है और उसको नहीं छोड़ेगी। मुझे अगर बड़ा मैं लोगों के आग्रह से यहाँ पर बैठे हैं, धार्मिक शब्द उसमें जोड़ा जाए। केवल हिंदू धार्मिक नहीं होता, केवल सिख धार्मिक नहीं होता, कोई इस्लाम धार्मिक नहीं। धर्म शब्द कहने से सबका बोध होता है, सब मिलकर के एक देश बनाते हैं, सब मिलकर के नदी की रक्षा कर रहे हैं। और धर्म शब्द को ये कहा जाए कि नहीं हटा देंगे, क्योंकि इससे थोड़ा लोगों को चिढ़ है, तभी तो उस शब्द को नहीं रखा। लेकिन अगर पंचायत ये मानती है कि हाँ उन्होंने सही किया सरकार वालों ने, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारे मन में यही दुख हुआ, इसीलिए हमको लगा कि अगर हम आप लोगों के सम्मान में कोई थोड़ा कमी ला रहे हैं तो हमको हट जाना चाहिए। हम हट जा रहे हैं, कहना चाहता हूँ कोई बात नहीं। मैं अगर गंगा जी से, मैं तो पहले भी ये मानता हूँ कि मैं यहाँ आया क्योंकि गंगा जी थी, मैं गंगा हूँ। यमुना पंचायत में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, और अगर गंगा जी के प्रति मेरी कोई भी लगाव है तो वो मेरी आस्था के कारण है, किसी वैज्ञानिक कारण के लिए नहीं है। जब मधु जी ये पढ़ रही थी और जब उसमें ये आया कि गंगा जी ने ये सॉयल बिल्डअप की है, कौन सी नदी अपनी घाटी की सॉयल नहीं बिल्डअप करती, तो क्या सब नदियों की बात हम करने लगेंगे? नहीं, गंगा जी की अगर गंगा जी में हमारी आस्था है तो वो मिट्टी बनाने के लिए नहीं है, वो पीने का पानी देने के लिए नहीं है, वो जीवन बचाने के लिए नहीं है, वो पाप धोने के लिए है। मैं बार बार ये कहूंगा, मैं अगर गंगा जी से जुड़ा हूं तो केवल उसकी बात नाचनी एक बहुत विशिष्ट स्थान के लिए। उसका कोई इससे वो नहीं है कि हम सब नदियों का, सब जलों का, पूरे पर्यावरण का, पूरे पर। जब ये कहा गया मैंने कोई आपत्ति नहीं उठाई, इसलिए नहीं उठाई कि वो लिखा होने से क्या होता है, मेरी आस्था मेरी जगह है। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि इसमें हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक ये दोनों आस्थाएं स्वीकार की जानी चाहिए, इस अध्यादेश में भी और उस अधिनियम में भी जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसको छोड़कर गंगा जी का कोई विशेष स्थान, कोई विशेष महत्व नहीं बचता। आईटी सब बातों की नहीं, हम सब बातों की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। और मुझसे तो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैं कहूंगा जरूर बहुत सी नदियों पे बांध बनने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कहूंगा बनाने की आवश्यकता भी हो। मैं केवल ये कह रहा हूं